सुशासन और गरीब कल्याण के नारे के साथ बीजेपी के दिग्गज इन दिनों जनसंपर्क अभियान में जुटे हैं। एक तरफ जहां केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर प्रदेश की अलग अलग प्रभावी इकाइयों से मिल रहे हैं, वहीं पार्टी के दूसरे नेता भी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर लोगों से संपर्क साध रहे हैं। इसी कड़ी में सांसद सुरेश कश्यप भी नाहन पहुंचे और कार्यकर्ताओं की क्षमता में विस्तार के साथ पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से 9 वर्ष का ऐतिहासिक कार्यकाल 30 मई को पूर्ण हुआ, इस उपलक्ष्य में पूरे देश भर में 30 मई से लेकर 30 जून के बीच में हमारा महासंपर्क अभियान ये चल रहा है और इस कड़ी में अनेक कार्यक्रम हैं जिसमें संपर्क से समर्थन, सभी मोर्चों के सम्मेलन, बुद्ध जन सम्मेलन, व्यापारी सम्मेलन। कार्यकर्ताओं के बीच सांसद सुरेश कश्यप ने एक एक कर उन सभी उपलब्धियों को गिनवाया जिसका फायदा लोगों को 9 सालों में केंद्र सरकार की तरफ से मिला है और इन योजनाओं के जरिए लोगों तक ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंची है। बीजेपी के नेता इन उपलब्धियों में कोविड काल को याद करना नहीं भूल रहे जिसमें लोगों के लिए गुजारा करना भी मुश्किल था। लक्ष्य यही है कि 9 वर्षों के दौरान जिस प्रकार से 10 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत जोड़ा गया, 10 करोड़ परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई, 11 करोड़ से ज़्यादा शौचालयों का निर्माण कर माता बहनों की इज्जत का बरकरार रखा गया और इसके साथ साथ जिस प्रकार से 11.5 करोड़ से ज़्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रतिवर्ष 6 हज़ार रुपये उनके खातों में डाला जाता है, 3.5 करोड़ से ज़्यादा प्रधानमंत्री के आवास बनाकर गरीबों को घर देने का काम किया गया। इसके साथ साथ जिस प्रकार से हमने देखा कोविड की महामारी के समय में 140 करोड़ लोगों के देश में 3-3 डोज वैक्सीन के फ्री दिए गए और 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज और 1 दाल देने का काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कोविड के समय में और 28 महीनों से लगातार चला हुआ है। सुरेश कश्यप ने दावा किया कि पार्टी 2024 के लिए 400 से ज्यादा सीटों पर जीत का लक्ष्य लेकर चल रही है जिसे वो हासिल कर दिखाएंगे। जो लक्ष्य हम लेकर चलें कि 2047 में भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने और हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में हो, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 2024 में फिर से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और पिछली बार 303, इस बार 400 के पार, इस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। उसी कड़ी में हमारा आज का एक कार्यक्रम पोंटा विधानसभा क्षेत्र। बीजेपी का लक्ष्य साफ है और लक्ष्य को पूरा करने के लिए बीजेपी दिग्गज से लेकर छोटी इकाइयों तक के नेता लोगों से संपर्क से समर्थन साधने में जुटे हैं। सूर्य समाचार के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।